डाकघर दे नाल नाल पासपोर्ट सेवा केंद्र नूं भयानक अग लग गई। अंदर तो धुआं उठदा देख लोकां ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नूं दित्ती, जिसके बाद फायर ब्रिगेड दीआं दो गड्डियां मौके ते पहुंचियां ते अग ते काबू पाउण दी कोशिश कीती गई। फायर ब्रिगेड दे कर्मचारियों ने कहा कि किसी तरह उन्होंने पहला बाहर तो अग बुझाउण दी कोशिश कीती, फिर ओह अंदर गए। पूरी बिल्डिंग अग दी चपेट दे विच सी। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत दे बाद अग ते काबू पाया गया। मिली जानकारी अनुसार अग लगन का कारण शॉर्ट सर्किट दस्या जा रहा है। दफ्तर के अंदर विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए सन, जो कि अग की भेंट चढ़ चुके ने, जिस कारण लोगों को भी काफी परेशानियों का हुण सामना करना पै रहा है, क्योंकि लोगों के सारे जरूरी दस्तावेज अग की भेंट चढ़ गए ने। करीब चार साल पहला पानीपत के इस मुख डाकघर दे विच पासपोर्ट बनाउण दी सुविधा शुरू की गई सी। पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलण तो पहला लोग चंडीगढ़ तो पासपोर्ट बनवाउण जांदे सन। एप्लीकेशन तो लैके सारी वेरीफिकेशन की प्रक्रिया मुश्किल होने के कारण एक पासपोर्ट नूं बनण दे विच करीब 6 महीने तो लैके साल का समा लग जाता सी। इस प्रक्रिया नूं आसान बनाउण दे लई इह सुविधा इत्थे दित्ती गई, पर हुण इत्थे भयानक अग लग गई, जिस कारण सारा कुछ सड़ के सुआह हो गया। मुख डाकघर दे पोस्ट मास्टर नरेश धीमान ने दस्या कि पासपोर्ट ऑफिस लगभग पूरी तरह जल के राख हो चुका है ते सारे दस्तावेज भी जल चुके ने। उत्थे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट दे लई पहुंचे लोगों ने कहा कि अज उन्हां दी अपॉइंटमेंट सी, पर हुण अचानक अग लगण दा पता चलिया ते हुण उन्हां नूं समझ नहीं आ रहा कि वह अपना पासपोर्ट किवें बनाउण, क्योंकि उन्हां दे सारे जरूरी दस्तावेज इस अग दे विच जल के सुआह हो चुके ने। घरौंडा से आया हूं और मेरी डेट थी आज पासपोर्ट बनने की। तीन बार मैं यहां पर आया, लेकिन कुछ कागज़ों में खामियां थी, लेकिन आज आया तो पता लगा यहां पर जो पूरा कार्यालय पासपोर्ट बनाने वाले जो कर्मचारी है वो कार्यालय से बाहर है कि शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी है। लेकिन हमें कोई अगली डेट कब मिलेगी ये अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि कई बार हम जो है तीन बार का होता है, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, लेकिन अगर आप तीन बार जो कागज़ पूरे नहीं कर पाते लेकिन उनकी जो है वो पैसे नहीं बचेंगे। मेरे ख्याल से तीन बार आज मेरी जो है वो तीसरी डेट थी, और तीसरी डेट में नहीं, वो खुद मेरे ख्याल से सहमे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा बताया उन्होंने, अगर कोई कर्मचारी अंदर होता तो मेरे ख्याल से वो बच के आज निकलना मुश्किल था, क्योंकि जो आग बताई गई है वो ज़्यादा भयंकर। हमारा पासपोर्ट की आज वो डेट थी, हमने यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आए थे, आज की डेट मिली हुई थी। मैं मैक्सिमम 2 महीने पहले अप्लाई किया था, पानीपत का हमने भरा था, तो ये मिला यहाँ पर, आगे देखा पता लगा यहाँ आग लग गई किसी कारणवश। अब क्या बता रहे हैं, भी कुछ आगे का तो दिशा निर्देश है नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं भाई कहीं और अप्लाई कर लो जाके, अगली डेट ले लो। अब कहाँ अप्लाई करना उसके बारे में तो कुछ बता नहीं रहे, किस जगह पे करें किस पे नहीं करें। सर अभी कारणों का तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, पर पता लगा है कि भी जो कॉलोनी वालों ने पीछे खिड़की है पासपोर्ट ऑफिस की, तो वहाँ से धुआँ दिखाई दिया, और जैसे उन्होंने धुआँ दिखाई दिया तो ये नेचुरली है कि भी वो देखेगा भी किस कारण से धुआँ आ रहा है, तो वो बोले सर बैटरीज पे चिंगारी वगैरह, और वहाँ से बैटरी से हमने देखा कि भी धुआँ क्या नुकसान है। सॉरी, नुकसान का अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह पाते, अभी आकलन कर रहे हैं क्या क्या जला है। पासपोर्ट ऑफिस में जिनका आज मेन इंटरव्यू वगैरह रहता है, जिनका वो रहता है, तो सर उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भी अपना रिशेड्यूल करा लें, और यदि और कुछ हमारे को गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन मिलेगी उधर से पासपोर्ट ऑफिस से, तो हम उनको इंटीमेट कर देंगे या उनके पास मैसेज से सूचना चली जाएगी। देखने में आ रहा है सर पूरा रिकॉर्ड जो है वो जलकर खाक जी। सर पासपोर्ट का हमारा तकरीबन जो ऑफिस है सारा जल गया है।